Hey all good colleagues there. We are back with another video this Thursday aur aaj hum aapke liye laaye hain talking about different types of sugar. I know aap sabko bahut hi zyada confusion hai ki itne sare sugar hai market mein aur kaun sa sugar kis liye hai kisi ko nahi pata hai ya kisi ko pata hai bahuton ko nahi pata hai. To aaj is video mein hum aapko batayenge कि कौन सा शुगर किस लिए यूज़ आता है और कौन सा शुगर हमको मोस्टली बेकिंग में यूज़ करना चाहिए. आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल डोंट गेट योर केक्स परफेक्ट. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है शुगर. सो आप कौन सा शुगर यूज़ करते हो इस पर बहुत ज़्यादा आपका बेकिंग रिजल्ट या केक का रिजल्ट डिपेंड करता है. तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैनुलेटेड शुगर जो नॉर्मली हमारे किचन में होता है. सो देखिए ये शुगर कैसा होता है सबको पता है. ग्रैनुल्स में होता है एंड ग्रेनी होता है. तो नॉर्मली दिस शुगर इज यूज्ड फॉर टी एंड एनी इंडियन डिजर्ट्स लाइक खीर हलवा एंड ऑल. पर हम ये शुगर केक में कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज ग्रैनुलेटेड शुगर फॉर बेकिंग. Yes, अगर आप आज तक ग्रैनुलेटेड शुगर यूज करते आ रहे हैं तो गाइज यू हैव बीन डूइंग दिस थिंग वेरी रॉन्ग. तो आज से हमेशा ध्यान रखना ग्रैनुलेटेड शुगर कभी भी बेकिंग में मत यूज करना. चलो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट पाउडर्ड शुगर. सो शुगर पाउडर इज सिंपली ग्रैनुलेटेड शुगर को पाउडर किया हुआ. सो जो हमारा घर का शक्कर होता है जो हम चाय में यूज़ करते हैं उसे जब हम पाउडर कर देते हैं तो वो कुछ ऐसा हो जाता है. ये थोड़ा कोर्स होता है नेचर में. यू कैन सी थोड़ा कोर्स होता है और इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि ये ग्रैनुलेटेड शुगर को ही हमने पाउडर कर दिया है. ये भी हम बेकिंग में यूज़ नहीं करते हैं. अगेन अगर आप आज तक शुगर पाउडर यूज़ करते आ रहे हो आपके रिजल्ट्स केक के अच्छे नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि ग्रैनुलेटेड शुगर और शुगर पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है जब हम इसे कुक करते हैं ये हमेशा थोड़ा सा पानी छोड़ता है. तो इसलिए कभी भी डिजर्ट्स में बेकिंग में ग्रैनुलेटेड शुगर और शुगर पाउडर यूज़ नहीं करें. बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें. ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने खीर हलवे चाय इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं बट डिजर्ट्स में कभी भी नहीं. देन पाउडर्ड शुगर से ही सिमिलर हमारे पास है आइसिंग शुगर. आइसिंग शुगर और पाउडर्ड शुगर में क्या डिफरेंस है? ये होता तो पाउडर्ड शुगर ही है बट इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर भी एडेड होता है और ये पाउडर्ड शुगर से थोड़ा सा ज़्यादा फाइन होता है. आई विल शो यू. अगर आप इसको हाथ में लोगे तो यू सी ये आपके हाथ में ऐसे इतना सारा लग जाता है. ऑल्सो आप फील करोगे कि ये बहुत ही फाइन है. फाइन एकदम रफ बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा. आइसिंग शुगर यू सी कितना सारा आइसिंग शुगर मेरे हाथ में लग गया बिकॉज इट इज़ वेरी फाइन एंड स्मूथ. आइसिंग शुगर मोस्टली यूज़ करते हैं हम आइसिंग में केक बनाने टाइम कप केक बनाने टाइम जो हम ऊपर फ्रॉस्टिंग करते हैं आइसिंग करते हैं उसमें यूज होता है हमारा आइसिंग शुगर. बटर क्रीम व्हिप्ड क्रीम देन रॉयल आइसिंग कुकीज पे करने के लिए यू यूज आइसिंग शुगर. तो आइसिंग शुगर भी आप बेकिंग में यूज नहीं करते. एज द नेम सजेस्ट इट इज फॉर आइसिंग. आइसिंग मीन्स समथिंग दैट हैज क्रीम एंड विच इज गोइंग टू बी टॉप योर डिशेज और डिजर्ट्स और केक्स. तो गाइज ग्रैनुलेटेड शुगर इज जस्ट योर नॉर्मल किचन या टेबल शुगर. पाउडर्ड शुगर ग्रैनुलेटेड शुगर को ही पाउडर किया हुआ है. अगेन ये दोनों शुगर हम बेकिंग में यूज नहीं करते हैं. एंड आइसिंग शुगर इज फॉर आइसिंग. अगेन उसे भी हम बेकिंग में यूज नहीं करते हैं. इट इज जस्ट यूज फॉर फ्रॉस्टिंग एंड टॉपिंग योर डिजर्ट्स और केक्स. नाउ तो शुगर कौन सी यूज करनी है हमें हमारे केक्स में जिससे हमारे केक हमेशा परफेक्ट बने और अमेजिंग बने. सो वी हैव योर कैस्टर शुगर.
यस गाइस, कैस्टर शुगर इज द शुगर जो आपको हमेशा अपने बेकिंग में यूज करना है। अगर आप देखें तो ये रेत जैसा होता है, आपके हाथ से यू फिसलेगा एंड ग्रेनी होता है। ऑल्सो आपके हाथ में कुछ लगने नहीं वाला है, पाउडर्ड होता है बट ग्रेनी होता है। तो आप कह सकते हैं ग्रैनुलेटेड शुगर और पाउडर शुगर के बीच की कंसिस्टेंसी का इसका प्रॉपर्टी होता है। अब इसमें अलग क्या होता है? इसमें अलग ये होता है कि कैस्टर शुगर को चाशनी जलाकर और फिर बनाया जाता है और उसे रिफाइन किया जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी होता है। और जब आप इससे यूज़ करते हो अपने डिज़र्ट्स में तो ये पानी नहीं छोड़ता है। अब कैस्टर शुगर आती है 51 रुपीज़ फॉर हाफ के जी। हम यूज करते हैं प्योरेक्स का कैस्टर शुगर। दिस इज प्योरेक्स कैस्टर शुगर, ऐसे पैकेजिंग में आता है आपका कैस्टर शुगर। एंड दिस इज 500 ग्राम्स फॉर 51 रुपीज। अगर ये आपको एक्सपेंसिव लगता है तो इसके बजाय हमारे पास है हमारा देसी शुगर, दैट इज शुगर बूरा। यस गाइस, शुगर बूरा जो आप घर में हमेशा चक्की, बर्फी, देन हलवाज, व्हाट नॉट, लड्डू बनाने के लिए यूज करते हो। यूजुअली बूरा हलवाइयों के द्वारा यूज किया जाता है मिठाई बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वही है जो आपका कैस्टर शुगर है, बट ये देसी फॉर्म में है। तो देसी फॉर्म में होने से क्या होता है, ये इसमें थोड़ा सा बर्न्ट फ्लेवर होता है और थोड़ा सा येलो इन कलर होता है। आप देखिए तो प्रॉपर्टी इसकी सेम है, वैसे ही ग्रैनुलेटेड है ये। यस गाइस, और ये भी पानी नहीं छोड़ता है। तो दिस इज द परफेक्ट थिंग टू यूज इन योर डिजर्ट्स, केक्स एंड लड्डू, चक्की, वॉट एवर मिठाई यू गाइस आर मेकिंग। सी, ये प्रॉपर्टी इसकी सेम है। ये आता है 51 रुपीज पर केजी। यस गाइस, हाफ द रेट आपका कैस्टर शुगर। सो द डिफरेंस इज यू सी, हा आपको एकदम से डिफरेंस दिख रहा है। ये मेरे पास है कैस्टर शुगर जो कि वाइट है, इवन है, एकदम शाइनी है। एंड देन आई हैव दिस शुगर बूरा जो कि येलोइश है, थोड़ा सा पेल इन कलर, एंड इट ऑल्सो हैज दैट बर्न्ट स्मेल। तो जब आप बूरा को प्यूरिफाई कर देते हैं, उसमें थोड़ा शाइन ला देते हैं, उसमें से उसका बर्न्ट फ्लेवर निकाल देते हैं, इट बिकम्स मोर रिफाइंड एंड इट बिकम्स कैस्टर शुगर। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई सा भी शुगर अपने केक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सा भी शुगर आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको क्वेरी थी आज तक कि हमारे केक अच्छे क्यों नहीं बनते, गीले क्यों हो जाते हैं, बेक होते हैं, एंड देन व्हाई डोंट दे टर्न आउट टू बी गुड, दिस इज द रीजन। स्टार्ट यूजिंग शुगर बूरा या फिर कैस्टर शुगर। शुगर बूरा आपको कोई भी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। बस गाइज ध्यान रखिए कि आप इसे अच्छे से पहचान पा रहे हो। ये देखिए, ये ग्रेनी होता है, पाउडर्ड शुगर जैसा नहीं होता है। सेम योर कैस्टर शुगर, दोनों सेम ही है। एक रिफाइंड होता है और पैकेज्ड होता है, एक रिफाइंड नहीं होता है और लूज या लोकली मिलता है। थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम हमारा शुगर पाउडर एंड शुगर बूरा में। तो शुगर पाउडर यहां पे है, ये देखिए, ये कैसा है, पाउडर्ड है एकदम। सो दिस इज डिफरेंट, एंड जो हमारा बूरा है इट इज जस्ट लाइक सैंड। ये देख रहे हैं आप कैसे नमक या फिर रेत की तरह ये गिर रहा है। बस इसी तरह से आपको अपने शुगर बूरा को पहचानना है। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट अदर थिंग्स दैट वी कैन यूज। ऐसी कौन सी और सी और चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं हमारे केक बेकिंग के लिए। तो गाइज, ब्राउन शुगर इज अनदर ऑप्शन दैट यू कैन टेक फॉर योर बेकिंग डिजर्ट्स एंड केक्स। ये देखिए, ये भी ऐसा सैंड होता है, ये पूरा सैंड जैसा ही दिखता है एंड ब्राउन इन कलर होता है। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अर्बन प्लैटर का ब्राउन शुगर। सो ये कुछ ऐसा बॉक्स में आता है, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, डार्क ब्राउन सॉफ्ट केन शुगर।
और कौन से ब्रांड का ब्राउन शुगर आप यूज कर सकते हैं? सी मावाना का ब्राउन शुगर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड या आई लाइक अर्बन प्लैटर, तो आई चूज अर्बन प्लैटर ऑलवेज ऑलवेज. नाउ अगेन ब्लू बर्ड का भी ब्राउन शुगर आपको मिलता है मार्केट में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ऐसी पैकेजिंग में आता है ब्लू बर्ड, सॉरी ऐसी पैकेजिंग में आता है ब्लू बर्ड का ब्राउन शुगर, बट आई डोंट कंसिडर दिस एज ब्राउन शुगर. क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, आई विल जस्ट शो यू गाइज. ये देखिए आप, ये हमारा ब्लू बर्ड का ब्राउन शुगर. अब उन्होंने क्या किया है कि नॉर्मल ग्रैनुलेटेड शुगर लिया है और उसको कैरेमल में कोट कर दिया है. पहले तो इसके ग्रैनुल्स बहुत बड़े आते थे, जस्ट लाइक योर ग्रैनुलेटेड शुगर. अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब पता चल गया कि ब्राउन शुगर होता क्या है और होता कैसा है, तो उन्होंने ग्रैनुलेटेड शुगर के बजाय चीनी का बूरा या कैस्टर शुगर इस्तेमाल किया है, उसमें कैरेमल कोट किया है और उसको एज अ ब्राउन शुगर प्रेजेंट करना या फिर बेचना शुरू किया. सी गाइज, आई एम नॉट offending anyone, but this is not what you say brown sugar is. तो be careful अगर आप bluebird का brown sugar लेके आते हैं, कि अगर किसी recipe में brown sugar लिखा है, तो guys ये वैसा काम नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हैं. You see this is not brown sugar. तो कभी भी bluebird का brown sugar मत buy करेगा. It is not brown sugar. ध्यान से देख लीजिए इस ब्राउन शुगर को, ये हमें इस्तेमाल नहीं करना है. ओके, सो द एक्चुअल ब्राउन शुगर इज ऑलवेज लाइक दिस. प्लीज गाइज, ऑलवेज गो फॉर मावाना और अर्बन प्लैटर का ब्राउन शुगर. ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं. एक बार वापस दिखा देती हूँ. सो ये है हमारा अर्बन प्लैटर का असली ब्राउन शुगर. ऑलवेज गो फॉर अर्बन प्लैटर ब्राउन शुगर और मावाना ब्राउन शुगर. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमारे पास है गुड़ का पाउडर. बहुत ही ज्यादा सेहतमंद चीज और हेल्दी इंग्रेडिएंट. एंड यू नो व्हाट, आप इसे अपने बेकिंग में भी यूज कर सकते हैं. यस गाइज, आप गुड़ पाउडर को अपने बेकिंग में यूज कर सकते हैं एंड इट विल मेक योर डिजर्ट्स मोर हेल्दी एंड मोर डिलीशियस, बिकॉज गुड़ टेस्ट सो 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 यमी. अब गुड़ पाउडर दो तरीके का आता है, ब्लैक गुड़ पाउडर जो कि हमारे पास है, डार्क गुड़ पाउडर, एंड द अदर वन दैट वी हैव इज वाइट गुड़ पाउडर. पर मैं हमेशा प्रेफर करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि आप ये डार्क गुड़ का पाउडर इस्तेमाल करें. मुझे पसंद है ऑर्गेनिक तत्व एंड बिग बास्केट का ब्राउन शुगर, सॉरी मुझे पसंद है ऑर्गेनिक तत्व एंड बिग बास्केट का गुड़ पाउडर. इट इज सो 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 अमेजिंग. आप इसे मेल्ट करके इसका कैरमल बना सकते हो, बेकिंग में यूज कर सकते हो. सो गाइज, आई होप नाउ आपकी जितनी भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग ऑल द डिफरेंट शुगर्स एंड आपको बेकिंग में क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, तो आई गेस ये सारी क्वेरीज आपकी मैंने आज क्लियर कर दी हैं. एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम. सबसे पहला हमारे पास है चीनी का बूरा, जो कि लोकली अवेलेबल होता है, ऐसे पैकेज में आता है और 51 rupees पर केजी के दाम पे ये मिलता है. आप इजीली कोई भी किराना स्टोर से इसे ले सकते हो. देन वी हैव आवर ग्रैनुलेटेड शुगर, जो कि है हमारा टेबल शुगर या फिर जो अक्सर हमारे किचन में मिलता है, जिसे हम शक्कर भी बोलते हैं. ठीक है, ये हम टेबल शुगर बोलते हैं, तो ये उसी लिए यूज होता है, टी कॉफी वॉट एवर ऑल दीज थिंग्स. देन वी हैव पाउडर्ड शुगर, इसी ग्रैनुल शुगर को हमने पाउडर कर दिया है, तो ये बन जाता है हमारा पाउडर्ड शुगर, जो कि अगेन हम हमारे किचन वर्क के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर बेकिंग. देन वी हैव दिस आइसिंग शुगर, जो मोर फाइन होता है और इसमें थोड़ी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर भी एडेड होता है, जो यूजुअली आइसिंग के लिए यूज होता है, आइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये है हमारा आइसिंग शुगर. इसके बाद हम चलते हैं चीनी का बूरा. हमने देख लिया चीनी के बूरे को जब हम और ज्यादा रिफाइन कर देते हैं, एकदम शाइनी बना देते हैं, उससे उसका बर्न्ट फ्लेवर निकाल देते हैं, तो बन जाता है हमारा चीनी का
बूरा, सॉरी कैस्टर शुगर, तो बन जाता है हमारा कैस्टर शुगर, जो कि आता है डिफरेंट पैकेजेस में। ब्लूबर्ड का भी कैस्टर शुगर आता है, आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं प्योरिक्स का कैस्टर शुगर। उसके बाद आता है हमारा देसी गुड़ का पाउडर, जो कि मैंने यूज़ किया है ऑर्गेनिक तत्व, बिग बास्केट के भी बहुत अच्छे आते हैं, आप चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ब्राउन शुगर, जो कि बिल्कुल ही सैंड जैसा दिखता है, एंड ये हमारे पास है अर्बन प्लैटर का ब्राउन शुगर। ऑल्सो मावाना का भी ब्राउन शुगर बहुत अच्छा होता है, इसे भी आप बेकिंग में बिल्कुल बेशक यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक नकली ब्राउन शुगर, जो कि है ब्लूबर्ड का ब्राउन शुगर, जो कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर को कैरमल में कोट कर दिया गया है। पहले इसके पीसेस और भी बड़े बड़े आते थे, अब इन्होंने क्या किया है, छोटे पीसेस लेना शुरू किया है। बट दिस इज नॉट 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 द रियल ब्राउन शुगर। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल था, नहीं था, या आज तक क्या आप ऐसी मिस्टेक करते आ रहे थे जिसके कारण आपका केक अच्छा नहीं बन रहा था। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है, प्लीज गिव अ थम्स अप टू अस। नीचे कमेंट में हमें जरूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा, एंड डू ट्राई योर केक्स विथ शुगर बुरा, कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर एंड गुड़ पाउडर। इट विल डेफिनेटली गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स अगर आप आज तक ग्रैनुलर शुगर और शुगर पाउडर यूज करते आ रहे हैं। तो आइसिंग शुगर सिर्फ आइसिंग के लिए होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो या बिडिंग यूर गुड बाय, नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो हेल्पिंग यू गाइज। सो हैप्पी थर्सडे, हैप्पी बेकिंग, हैप्पी कुकिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।